व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू नरेश मिनट। नॉट योर टाइप चैनल से आपके लिए वीडियो लेके आए हैं एवरी इंडियन स्कूल फीचरिंग पढ़ाई वर्सेस पैशन। जब से एनिमेटेड वीडियोस पे रिएक्शन शुरू किया, बड़ा मजा आता है भाई सब देखने में। और स्कूल टाइम बच्चे में जो कार्टून देखते थे वो भी बड़ा वो यादें भी ताजा रहती है। एनिमेशन बिल्कुल उसी लेवल का होता है एकदम। तो जरूर कमेंट करके बताना आपको कैसे लगी वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और नॉट योर टाइप चैनल से आप सजेस्ट करना वीडियोस ताकि जल्द से उन पे भी हम रिएक्ट कर सकें। तो टाइटल जरूर कमेंट कर देना, बाकी और वीडियोस भी सजेस्ट करना ना भूलें। चैनल में हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 एंड गो। तो फर्स्ट से लेकर 9th क्लास तक मेरी लाइफ बहुत अलग थी। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे, मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूँ मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। अबे श्रीवास्तव क्या कर रहा है यार ये? माँ बाप ने बस कचरा खाने ही सिखाया क्या? मुंह क्यों लगा रहा है मुझे? बचपन में ऑप्स बेड्स के नाम पर लड़ाइयां करना है। तूने मेरा बच्चा मार दिया। बाबी की नेम चिट को स्टिकर की तरह सर पे लगा लेना। मेरा तो एक यूट्यूब चैनल भी था, अजीब सी वाइंस बनाता था मैं उसपे। मुन्नू तू एक घोड़ा है, नुन्नू जो बोलता है वही होता है, मुन्नू ऐसा कुछ नहीं। हम सब्सक्राइब करें मुन्नू नुन्नू की वाइंस। मैं कहीं पर भी वाइंस बनाने लग जाता था, भले फिर बैकग्राउंड में किसी की दादी मर रखी हो। सारी जायदाद मेरी। उसके दूसरे दिन ये बंदा भी मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहा होता है, भाई फुल हाहा वीडियो, थैंक यू मेरी दादी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। नमः शिवाय। जिसकी दादी मरी है वो ये इस कमेंट को लाइक करो। जिंदगी बहुत मस्त चल रही होती है, लेकिन फिर 10th क्लास आ जाती है। 10वीं कक्षा, नो दोस्ती यारी, ओनली पढ़ाई। 10th क्लास के टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा को भी एकदम से याद आता है, अरे हमारा तो बच्चा भी है। अरे किधर रखा है उसे? लास्ट टाइम तो कबर्ड में रखा था। भाग गया। 10th क्लास में ना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास आते हैं, इधर तुम तुम्हारे रूम में अजीब से काम कर रहे होते हो। साइंटिस्ट खुद ही सोच के। हाँ मुझे पता है, मम्मी पापा के चलने की आवाज ऐसी नहीं होती। 10th क्लास में मेरे पापा भी मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा, आंखें देख कहा, ये सर पे बारबी की नेम चिट लगाना बंद कर, और 10th क्लास आ गई है, पढ़ाई कर लेना चुपचाप। बाल उड़ा दिए। अब तो और अच्छा लग रहा हूँ। हगी मारू, हगी मारू, लकी मैन, काकाशी सेंसेई। बोल ले चुपचाप। वैसे ये कर कैसे रहता है ऐसे? मेरा तो हो ही नहीं रहा। पढ़ाई पैशन और पेरेंट्स। 10th क्लास से ही तुम पर एक पढ़ाई का बोझ आने लगता है, जिसके कारण तुम्हें अपनी हॉबीज, कलाकारी, संस्कृति छोड़नी पड़ती है। हाय रे, ये विद्यालय की शिक्षा और माँ बाप की इच्छा से ऊपर वाले ही बचाए। Relatable। तुम्हें अपने टैलेंट और हॉबी को दफना कर आगे बढ़ना पड़ता है। टैलेंट और हॉबी को दबा कर। उस समय तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम अपने मम्मी पापा को बोलोगे कि तुम्हें अपनी हॉबी पे करियर बनाना है, तो तुम्हारी बात हवा में उड़ा दी जाएगी। मजाक नहीं है, ये सच में उड़ा देंगे। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई सेक्सी। अरे बेवकूफ, अज्जू नेता का कचौड़ी समारोह यहाँ नहीं हो रहा है, एक गली छोड़ के। अच्छा, तभी तो बोलूं इधर इतने सारे छपरी लोग क्यों आए हैं? खुद हरकत है उसकी छपरी वाली। देखो, अब इसमें तुम्हारे मम्मी पापा की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें अपनी लाइफ में करना है उसके बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता है, या तुम्हारे पूरे खानदान से आज तक वो चीज किसी ने नहीं की है। तुम उन्हें बोलते हो, मम्मी मुझे एनिमेटर यूट्यूबर बनना है, मगर उन्हें क्या सुनाई देता है? अरिगातो कोसाइमस दात्ते भाई। मुश्किल होता है, पता है, क्योंकि इनको बस 2-3 करियर के बारे में ही पता होता है। और क्या तुम प्लीज अपना ये बाजा बजाना बंद करोगे? अगर तुम इन करियर में से कुछ नहीं बन रहे हो, तो तुम्हारे मम्मी पापा के हिसाब से तुम पक्का कोई क्रिमिनल या तो मैक्सिको के ड्रग डीलर बन रहे हो। Como te llamas, amigo? Eres te porte, mamma mia. Mamma mia. इधर तुम मम्मी पापा को अपने सपने बता रहे हो, उधर मम्मी पापा किसी दूर के मामा के एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि कैसे वो भी अपने एक्टिंग के सपने लेकर सपनों के शहर बम्बई गया था। लेकिन वहाँ कहाँ? सपनों के शहर बम्बई। मैं बस उसे निराशा ही हाथ लगी, तो अब बुलाते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को। मैं सपनों के शहर बम्बई आया हूँ,
जहाँ से मैं आया हूँ वो बुरे सपनों का शहर है। देखो यार मेरी तरफ से ना है। जय माता दी, लेट्स रॉक, चिक चिक बूम फायर। और ये कॉन्टिनेंट हुआ बाहर, ये सब फेक होता है, मेरा नाम तक नहीं पूछा, तीसरा जज तो रोबोट है। चिक 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 बूम फायर। आंखें देख किस तरीके से, इतना बड़ा स्टेज है। एक साइकिल रख दो बाहर जाने के लिए भाई, गाड़ी बुला के जाना पड़ेगा। भैया बाहर तक छोड़ दो। कुत्ते हैं सबके सब, कुत्ते कुत्ते। तो चलिए अब बुलाते हैं नेक्स्ट माता जी, लेट्स रॉक। मेरी तरफ से ना है। चिक चिक। किसी को वो नहीं करा इन्होंने फाइनल, मेरी तरफ से मेरी कहानी। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ, तो नॉट यू टाइप जी। आपने कहा कि आपको पढ़ाई में बचपन से इंटरेस्ट नहीं था, बचपन से ही कुछ क्रिएटिव करना था आपको जी। तो ये दसवीं के बाद आपने बायोलॉजी क्यों ले ली? कहीं माँ बाप ने कोड़े मारे थे क्या? नहीं नहीं जी, मम्मी पापा तो सही है, मम्मी ने तो टिफिन भी बांध के दिया है, तेल छोड़ दिया चार ने। तो जी ऐसा था कि मैंने बस बायोलॉजी ले ली थी, मुझे नहीं पता था इतना पढ़ना पड़ता है। ग्यारहवीं और बारहवीं पता ही नहीं चला इसकी माँ का, दो साल कहाँ निकल गए। जी जी जी। और फिर हवाबाजी में बंदी भी बन गई, तो यूट्यूब करने का टाइम ही नहीं मिला। जी 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 जी। चाय पियेंगे? आप पिलाएंगे तो क्यों नहीं पियेंगे। तो आप लोग भी बने रहिए उसमें, मुझे क्या मिल रहा है मेरा क्या फायदा पॉडकास्ट में। ये मेरी रियल कहानी है, मेरा प्लान तो वीडियोस बनाना ही था, पर पढ़ाई के प्रेशर में दो साल कहाँ निकल गए मुझे पता भी नहीं। बायोलॉजी के अलावा कोई सा सरल सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स लेके, आर्ट्स का मैन मैं हूँ, दुनिया का रखवाला, बन सकता था। पर मेरी स्कूल में मैथ्स बायोलॉजी और कॉमर्स के अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। और देखो मुझे कॉमर्स और मैथ्स तो लेना नहीं था, क्योंकि कॉमर्स वालों को स्कूल में कोई सीरियस नहीं लेता था। अंदर आग लगी है, आगे अंदर कॉमर्स का होगा ना इसलिए। अच्छा, तो ये ले पानी। अरे अरे क्या कर रहे हो, सच बोल रहा हूँ, बंटी और रोहन ने आग लगाई है। चल बंटी कमाल, पाद के मचा दे धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपुन को हिचकी आया है रे, लगता है अपुन को भी कोई याद कर रहा है। भाई बक्कर अभी ने चुगली लगाई होगी। हाँ यही थे मेरे कॉमर्स वाले, वैसे ये मोटा पाद के आग फैलाने वाला था, यही था इसके धमाल का मतलब। मेरी स्कूल में बैन है ये दोनों, शायद भारत की सभी स्कूलों में बैन होंगे, तिहाड़ जेल में अभी ये दोनों वैसे। चल बंटी कमाल, बात के मचा दे धमाल। भाई तो कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। तिहाड़ जेल में उनको हिचकिया है रे, लगता है कोई याद कर रहे ला। भाई पक्का रवि होगा। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के साथ मेरे रिश्ते बहुत बेकार है, मुझे पागल करता है। ट्वेल्थ के बाद मैंने सोचा था कि मैं आराम से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिर मुझे नीट के बारे में पता चलता है। जिन लोगों को नीट के बारे में पता नहीं है, ये जेई जैसी एग्जाम होती है, और जिनको जेई के बारे में नहीं पता ये नीट जैसी एग्जाम होती है। मेरा नाम पपलू है और मुझे मछली पसंद है। सरल भाषा में कहूँ तो नीट के एग्जाम से तुम डॉक्टर बनते हो। उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे तो कभी डॉक्टर बनना ही नहीं था, बनना ही नहीं। तो उस टाइम किस सोचा? रास्ते पे जा रहा हूँ मैं, पवन दारू ठेके के रास्ते पे। कौन है साले बेताल, भगजा ने तो चटका लगा दूंगा। मैंने अपने मम्मी पापा को समझाया कि मुझे डॉक्टर कभी बनना ही नहीं था। लकीली उन लोग को मेरी बात समझ में आई और उनने मुझे डॉक्टर से थोड़े से कम कठिन कॉलेज में डाल दिया, फार्मेसी। पर खैर अब मैं वीडियोस बना सकता था। पर सच कहूँ तो वीडियोस बनाने का पैशन इतना था मुझ में, अगर डॉक्टर भी बन जाता तो वीडियोस तो तब भी बना रहा होता, लेकिन थोड़े अलग प्रकार की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्री डॉक्टर आलू, MBBS, MD, MS, BSc, PSG, नेमार, मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, MCBC और मादर। सबसे पहले हमारी डॉक्टर मेंबरशिप खरीदने वालों को शाउट आउट दे देते हैं, पैरालाइज नानी, हीमोग्लोबिन संजू, एड्स का मरीज राजू और नीट एस्पिरेंट सरोजनी। और हमारे लिए एक मैसेज भी आया है, मेरी माँ मर गई तेरी वजह से, हराम। थैंक यू फॉर 5 रुपए सुपर चैट। चलिए अब इस मरीज का फायदा इलाज करते हैं। डॉक्टर डॉक्टर, मेरे मरने के बाद आप क्या बोलोगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब। पेशेंट भी मजेदार था। रुक जा भाई, क्या रोक दिया था ये? आज के लिए बस इतना ही, होप आपको लाइव स्ट्रीमिंग पसंद आई होगी। गया वो। अबे जिंदा, अबे बच गया। मेरे बच गया वो।
ओके, तो इस वीडियो से मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम जो भी कर रहे थे उसे छोड़कर तुम अपने मन का करने लग जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम किसी काम में अच्छे हो या किसी हॉबी में, तो उसे कभी छोड़ो मत, पता फ्यूचर में वही तुम्हारा करियर बन जाए। एंड मम्मी पापा को समझाना मुश्किल है पता है मुझे, बट इम्पॉसिबल नहीं है, आज या कल तो मान ही जाएंगे। एंड इफ तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक करो, ठीक है? मुझे नहीं पता इस वीडियो में मुझे 4 लाख लाइक चाहिए तुमसे, ठीक है? तुम अकेले बंदे से मजाक कर रहे हो यार, लाइक कर देना, अच्छा लगता है जब तुम्हें वीडियो पसंद आती। भाई मजा आ गया, मतलब इसने पूरी अपनी स्टोरी ऐसे बता दी कि उसमें इंटरेस्ट बना रहा लास्ट तक। और ये टिपिकल, एक बात बताऊं, ये टिपिकल मोस्टली हर एक बच्चे की स्टोरी होती है, फर्स्ट से लेकर नाइन्थ क्लास तक। एक जैसे एक एवरेज बच्चा होता है तो मतलब वो यार कोई नहीं पूछता, बहुत कुछ लोग होते हैं जिनकी मतलब ऐसे रहते हैं दोस्ती यारी होती है, तो नाइन तक वैसे नहीं पता लगता, दसवीं आती एकदम से घर वालों को बताते उत्तरी बोर्ड के पेपर, लेकिन वो कर दो टीवी क्या पहले से केबल नहीं लगेगा अभी घर में, फोन नहीं मिलेगा, खेलना बंद, मतलब हर चीज का स्केड्यूल फिक्स हो जाता है, ट्यूशन भी लग गया, हर चीज स्टार्ट हो जाती है। और जिस तरह बताना कि अरे कबड में रखा था लास्ट टाइम, हाँ भाग गया। एक वो अच्छा था कि जब वो दिखाया था ना उसने, कि जब तुम अपने घर वालों को बताते हो कि मुझे ये बनाया था, यूट्यूब दिखाया हुआ था, साइन बना हुआ था, तो तुम क्या बोलते हो, आज उन्हें क्या समझ आता एनिमेशन, क्योंकि उन्हें पता नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि जिस फील्ड में पूरे खानदान में किसी ने वो चीज की नहीं। और ये आज भी है, कोई भी बच्चा अगर ऐसे बोलेगा ना कि भाई नहीं, आज भी जैसे कई लोग अगर जैसे हम अगर कोई पूछता है क्या करते हो, तो हम अगर कहते हैं एग्जांपल यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, रिएक्शन वीडियोस करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तो कहते हैं लेकिन वैसे क्या करते हो, पैसे कमाने के लिए क्या करते हो। तो एक चीज है, अभी भी लोगों को समझ आती है, क्योंकि आज के टाइम में ना देखो पैसा कमाने के बहुत रास्ते होते हैं, लेकिन सबसे पहले ये कि आपको कन्विंस करना पड़ता है घर वालों को भी कि आपको इसमें करियर बनाना है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, 3 साल पढ़ाई होगी, 14 साल में कह रहे हैं नहीं, अरे छोड़ो ये सब, मैं तो वो तो मेरे को कर, तो क्या है कि आपको जो चीज पसंद है वो भी करो, लेकिन ये चीज हमेशा बैकअप हमेशा आपके साथ होना चाहिए। और ये एक फनी वीडियो के साथ से एक मैसेज भी दिया, खुद की स्टोरी, मैं फैन हो गया, वो जो सबसे बढ़िया देखो एनिमेशन, नो डाउट बहुत गजब, और हर एक कैरेक्टर की जो आवाज दी हुई थी बहुत बड़ी, छोटी छोटी चीज है वो वहां पर, वो गिटार बजा रहे थे, ट्रैम्पोलिन कुछ मिले, वो गिटार बजा रहा था, इसको बजाना बंद कर, जैसे आंखों के साथ कैसे खेलते हैं, आंखें पतली होती है एकदम से ऐसे स्विच हो जाती है। अब अच्छा दिखाया कॉमर्स वाले जिन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता था, और मैथ अच्छा से मेरी वैसी दुश्मनी थी। एंड आई एम श्योर काफी मजा आएगा आप लोगों को भी। हाँ। ये वीडियोस एक क्या कहते हैं वो स्ट्रेस बस्टर कह सकते हैं, मतलब अपना टाइम से याद आ जाता है एकदम, कैसे स्कूल की भी छोटी छोटी चीजें बताता है, और ये बहुत ही रिलेटेबल चीजें होंगी। हाँ। आप फील कर सकते हो, अच्छा 10th में ऐसा होता था। हाँ। और ये चीज बायो वो बताया ना कि मैंने तो मेरे को पता नहीं था बायो में पढ़ाई भी करनी पड़ती है, बायो ले ली देखो, और वो कह रहा ना मैथ्स तो वैसे ही सर के ऊपर जाता था, कह रहा फिर एक डॉक्टर से थोड़ा सा कम मैंने थोड़ा सा वो फार्मेसी। तो भाई आई एम श्योर आप लोग और भी वीडियोस पे चाहेंगे रिएक्शन, तो आप सजेस्ट कर देना टाइटल किस वीडियो में रिएक्ट करना चाहिए। बाकी जुड़े रहिए मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।